दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय एम ढुमणे ज्वेलर्स। राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या ईडी चौकशीवर राष्ट्रीय सेवा दल अध्यक्ष लालजी देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत। जाणून घेऊयात काय बोललेत ते। हम काँग्रेस के साथ ये कहते हैं, जितनी बार बुलावा आएगा जाएंगे। हम संविधान को सम्मान करते हैं। सवाल ये है कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो राहुल जी को 5 दिन लगातार पूछे गए और सोनिया जी को आज 3रे दिन। उस सवालों का लिस्ट तो भारत के लोगों को बताया जाए। और हम तो ये भी चाहते हैं कि एक बार लाइव कर दो ना, टीवी मीडिया के जितने भी लोग हैं उनको बुलाकर राहुल जी और सोनिया जी के साथ लाइव ईडी पूछताछ कर ले। पता चले कि कुछ सवाल है कि फिर एक दिखावा है मोदी और शाह को खुश करने के लिए, उनके आकाओं को खुश करने के लिए ईडी खुद इस प्रकार की जो प्रताड़ित तरीके से उनको बार बार बुलाती है। एक बात देखने लायक जो ये है कि 75 साल की उम्र, कोरोना से अभी अभी निकले हैं, फिर भी मैं सोनिया जी को कहता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं और हमको फक्र होता है कि हमारी नेता ऐसी है कि इस उम्र में कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद भी वो ईडी ऑफिस घंटों तक बैठकर उनके सवालों को जवाब दे रही। और सवाल भी किस बात का है, कांग्रेस पार्टी हमारी, अखबार हमारा, कंपनी हमारी, हमारी ही पार्टी हमारे अखबार को, हमारी कंपनी को पैसा दे रहा है। मोदी और शाह को मिर्ची कहां लग रही है? मिर्ची लगनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि उनको आजादी के जंग में जो अखबार आवाज था इस देश की, उससे दिक्कत है, उनको अखबार से दिक्कत है। स्मृति ईरानी की बेटी का बीफ का रेस्टोरेंट और बियर बार से प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हैं बियर बार चलेगा, हम कहते हैं अखबार चलेगा। तो ये जो सोच में जो फर्क है, हम लगातार तैयार है कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक तरीके से मैं धन्यवाद करूंगा भाजपाई संघी शासकों का कि हमारे कांग्रेस के सोते हुए शेर पूरे देश में आज रास्ते पर जो है, वो कारण यह है कि जितना जितना आप हमारे नेता को परेशान करने की कोशिश करोगे, हम उतने ही ताकत से रास्ते पर आएंगे और उतने ही ताकत से जवाब देंगे और जनता के बीच में जाकर ये कहेंगे कि ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। हमारे साथी इसलिए कहते हैं कि मोदी शासन कैसा है, रंगा बिल्ला जैसा है। तो ये रंगा बिल्ला वाली सोच है, ये संघी सोच है। देश के आजादी के जंग में गद्दारी करने वाले सावरकर से लेकर नथुराम गोडसे जैसे लोगों की सोच वाले लोग शासक है, तो उनके मन में हिंसा है, उनके मन में झूठ है। हम सत्य और अहिंसा के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ी है, लड़ते रहेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। वो ईडी की नोटिस भेजे, सीबीआई की नोटिस भेजे, हम महंगाई के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम रोजगार के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम जनता की हर समस्या के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। हमें वो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना डरे ना डरते हैं, उनको गांधी कहते हैं, ना डरे ना डरे, तो ना कभी डरे नहीं है, सत्य के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। एक असे ठिकाण जिथे आहे विनम्रता, विश्वासार्हता आणि आपलेपणा, चोख सोन्या आणि चांदीचे दागिने मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण एम ढोमणे ज्वेलर्स। खास शुभविवाहासाठी आपल्या सौंदर्याला साजेशा सोने चांदीच्या अलंकारांचे विशेष कलेक्शन, राणी हार, शाही हार, मंगळसूत्र, पाटल्या, बांगड्या, कर्णफुले, वेडिंग रिंग आणि ठुशीच्या असंख्य व्हेरायटी उपलब्ध। आमच्या शोरूमला भेट देऊन आजच निवडा तुमच्या आवडीचे दागिने आणि करा वाटचाल समृद्ध भविष्याकडे। आमचा पत्ता 47C हिमालया एक्सेलेन्स पोलीस चौकीजवळ प्रतापनगर चौक नागपूर। संपर्क करा 9423412458 किंवा 0712229018।